नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र भारत न्यूज में। आइए सीधा ले चलते हैं आज की सभी बड़ी ताजा खबरों पर। 5 जनवरी 2021 मंगलवार हो चुकी है, आइए सीधा ले चलते हैं आज की सभी मुख्य समाचारों की ओर। किसान आंदोलन से लेकर बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्र किसानों में नहीं बनी बात, किसान बोले कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तोमर बोले ताली दोनों हाथों से बजती है। आइए लेते हैं पूरी खबर का ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल केंद्र और किसानों के बीच 8वें दौरे की बातचीत में भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे वाली बैठक के बाद किसानों ने कहा कि हमने केंद्र के सामने कृषि कानूनों की वापसी की ही बात रखी है। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सोमवार की मीटिंग में MSP पर को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी किसानों और केंद्रों में सहमति नहीं बनी। हालांकि सरकार और किसान 8 जनवरी को दोबारा बातचीत करने को राजी हो गई हैं। मीटिंग के बाद राकेश टिकैत ने कहा 8 जनवरी की बातचीत में भी हमारा मुद्दा MSP और कानून की वापसी ही रहेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है BJP प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा बयान, वैक्सीन आने के बाद 2 प्रजाति बहुत परेशान है, कोरोना वायरस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल संबित पात्रा ने कहा है कि हमने समय समय पर कांग्रेस पार्टी को म्यूटेंट वैरायटी बदलते देखा है, एक से एक बढ़कर एक भयंकर रूप कांग्रेस धारण करती रही है। संबित पात्रा ने कहा कि देश में इस समय वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उससे दुखद और कष्टदायक कुछ हो ही नहीं सकता। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष ऐसे विषय रख रखा है जिससे वैक्सीन को यह आविष्कार छोटा साबित हो सके। आदरणीय JP नड्डा जी ने यह भी बात कही है कि कांग्रेस और विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए और वो इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, ताजमहल परिसर में हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने लहराया भगवा झंडा। आइए जानते हैं फिर क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ताजमहल के प्रांगण में सोमवार को भगवा झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना ताजगंज के पुलिस निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को ताजमहल परिसर में एक कथित हिंदूवादी संगठन के 4 सदस्यों ने भगवा झंडा लहराया। घटना के बाद वहां सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बल CISF के कर्मियों ने 4 को पकड़ लिया है और उन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गौरव ठाकुर सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस संबंध में आगे कार्रवाई कर रही है।